भैया राधे राधे। जी स्वाति जी, राधे राधे। हाँ हम कलकत्ता से बोल रहे भैया। जी स्वाति जी हाँ बहुत से इच्छा था आपसे बात करने का। जी बताइए। ये मेरी बेटी है आर्चिका गुप्ता। हरे कृष्णा बेटा, राधे राधे बहुत बेटा। मन हम बाकी प्यारी जी को बहुत याद करते हैं, उनको बहुत याद आता है। आप गए थे ठाकुर जी गए से मिलने? अच्छा हुए थे, हम गए हुए थे अगस्त में, जी, अगस्त में गए हुए थे। तो वहां से आने के बाद तो मतलब मन ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बेचैन लगता है मन। काफी टाइम से हम अभी मतलब कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने का, तो मन का भाव ये रहता है कि भगवान से ऐसा लगता है कि बस हम एक पल के लिए लगता है कि छोड़े ना, और घर का कुछ कारण, घर का कुछ काम के वजह से या कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाता है जिसकी वजह से देर से पूजा करना हो जाता है। कोई बात नहीं, तो मन में सुबह हस्बैंड को नाश्ता खाना एक साथ कोई बात मतलब नहीं, सारा कोई कुछ। बात नहीं, उसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई बात हाँ नहीं, उसके लिए कभी भी मत मतलब सोचिए। बहुत सारे लोगों की समस्या है ये। आप पहले, आप गृहस्थ जीवन में, तो आपका जो जीवन का जो दिनचर्या है ना, पहले आपके जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, वो आराम से, वो कर्म ही पूजा है आपकी। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आप पहले अपने सबको, आप क्योंकि आप एक महिला हैं, भोजन देती हैं सबको, अन्नपूर्णा है आप, तो उनको भोजन दीजिए। बच्चे का स्कूल होता है, सब कुछ, वो सारे कृत्य कीजिए। जैसे ही आप, जब आपको महसूस हो कि हाँ अब ये सब काम हो गया, तब बैठिए भगवान के पास। तो कोई ऐसा मत सोचिए कि मैं, देर हो गई है, शाम हो गई है, दिन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। भगवान 24/7, भगवान से आप कभी भी बात कर सकते हैं। ईश्वर आपके पास हर समय है, और ईश्वर इस बात से खुश होते हैं कि जो कर्तव्य मैंने आपको सौंपा है, वो आप ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारा कर्म जो है वो ईमानदारी से करो, और अपने कर्म को मुझे समर्पित करो। आप जब खाना बनाती हैं, तब भी तो आप नाम जाप तो तब भी आप कर सकते हैं, तो आपका खाना जो है वो प्रसाद बन जाएगा, भोजन है जी ना। भैया, जी भैया, आप वहां पर अपनी रसोई में भजन लगा करके, भगवान का नाम लगा करके सुनते रहिए, सुनते रहिए, करती बस हूँ फिर हाँ। वो सारा, वो भक्ति ही है, वो पूरा भोजन प्रसाद रूप में पहुंचेगा। तो एक्चुअली भैया क्या होता है ना कि मेरे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, जी तो हम चाहते हैं कि जैसे कि सोच रहे थे, मेरी बेटी बोली थी मम्मी तुम ना भगवान जी को ना सूजी का हलवा का भोग लगाओ। हम बोले बाबू देखो बात ये होता है कि प्याज लहसुन बनता है उसके लिए पूरा किचन सफाई करेंगे, सारा कुछ अलग से ऐसे रहता है, अलग से कुछ भी फिर नया से सब कुछ मंगाना पड़ता है। तो हम बोले बाबू ऐसा करते हैं कोई एक दिन समय निकालेंगे, जिस दिन पापा को नहीं जाना रहता है दुकान उस दिन हम समय निकालेंगे, तो उस दिन पापा के उनको बोल देंगे कि आज दिन जो होगा लेट होगा, तो उस दिन भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए हम सूजी में बना देंगे। तो बोले मम्मी तुम बनाना ना बनाना। हमने ठीक है बेटा हम बनाएंगे बोल के। तो जैसे जैसे हमको देखती है, मेरी बेटी भी उसी तरह फॉलो करती है, राधा रानी का हम जो भी देखिए, भजन जब सुने सत्संग तक सुने। आपको ये मन में ये भ्रम है ना, आप एक चीज बताता हूं मैं आपको, आप इतना मत सोचिए इस विषय में। आप भगवान को भोग लगा, आपके घर लड्डू गोपाल है, हाँ है भैया। भोग लगाते हैं आप रोज हाँ हम ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं ड्राई भैया। फ्रूट्स का, लेकिन बिटिया हाँ आपको कहती है कि आप वो भोग लगाइए, आप लगाइए वो भोग। उस भोग में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, भगवान के भोग में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो भोजन आप बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत बाधित है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, हफ्ते में है ना, एक दिन दो दिन है ना, प्रयास कीजिए, प्रयास, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए। आपको इतना आनंद आएगा ना, आप कल्पना भी आपने नहीं की होगी। और जैसे जैसे आनंद आना शुरू होगा ना, फिर आप देखना आप खुद ही सब छोड़ दोगे। आपके मन में पाप नहीं आना चाहिए, मन में किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में ये नहीं होना चाहिए ये पाप है, ये गलत हो रहा। तो क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं, आप साधारण मनुष्य हैं, तो आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने, पाप कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। आप छोड़ना चाहते हैं आपके मन में, क्योंकि वो भाव है, तो उसको छोड़िए। और आप, सच बता रहा हूं, आपके पति को किसी दिन बताइए मत कि इसमें लहसुन प्याज नहीं, और खाना बना के दीजिए आप। मैं चैलेंज कर, नहीं, उनका कहना है कि तुम जैसे ही बनाओ थोड़ा टेस्टी होना चाहिए। हाँ मैं बता रहा हूं ना, आप आज रात के भोजन में लहसुन प्याज मत डालिए, खाली बताइए, और उनको बताना मत लहसुन प्याज नहीं है इसमें। वो खुद बोलेंगे बहुत स्वादिष्ट भोजन है, क्योंकि भगवान का भोग है, वो सात्विक भोजन है, वो आपको इतना आनंद आएगा। इस्कॉन में कभी खाना खाया आपने? हाँ भैया हाँ मैं गए मायापुर गए थे, वेस्ट कैसा बंगाल लगता है मायापुर। इस्कॉन का खाना? बहुत 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 स्वादिष्ट, तो बहुत वो टेस्टी इसीलिए था। स्वादिष्ट होता है क्योंकि उसमें लहसुन प्याज नहीं होता हाँ भैया हाँ भैया कुछ ना। तो दिन पहले हम गए आप हुए आज थे। घर हाँ पे बनाइए, उसके बाद मन की ये चिंता दूर कीजिए,
और ठाकुर जी का भोग बनाइए, ठाकुर जी का आज हलवा बनाइए उनको, आज हलवा खिलाइए, बच्ची कहती है तो आज बनाइए हलवा, ठीक है। और बिल्कुल ये देर सवेर होने वाली जो बात है ना आपकी, सुबह 7 बजे नहीं हुआ, 9 बजे हो गया, 10 बजे, कोई बात नहीं, इस तरह से ठाकुर जी देर हो ना भैया तो मन ना बहुत चिड़चिड़ा लग नहीं जाता है। नहीं अभी नहीं तक हम लोग बिल्कुल खा इस रहे बात वो के लिए खाए, बिल्कुल बढ़िया से चिड़चिड़े मत भगवान होइए, जैसे बैठे नहीं बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता जब हमको। सब निपटा दो ना, आप एक महिला हो, जब सब निपटा दो ना घर का, सब सबकी जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी, उसको भोजन दे दिया, उसको ऑफिस भेज दिया, उसको स्कूल भेज दिया, उसके बाद आराम से अपने ठाकुर जी के पास बैठी, ठाकुर जी को सब पता है मेरी बच्ची क्या कर रही है, इनको बोले कि आपके कारण मेरा देर हो जाता, देखिए भगवान जी ऐसे बैठे हैं, नहीं नहीं बोले कि नहीं भगवान कभी देख रहे कभी कभी नहीं हैं। कभी कभी झगड़ा मत कीजिए इस बात पे, ठाकुर जी को सब पता है, झगड़ा नहीं करते ठाकुर भैया, जी आपसे इन्हीं बेहतर को बना पूछ, के सब, हाँ हाँ इन्हीं को बना के भेज देते हैं, उनके बस बाद ही हम पूजा वूजा करते बस हैं। हाँ आराम से बिल्कुल उस पे कभी मत चिड़चिड़ाई होइए हाँ कि लेट हो गई, लेट हो गई नहीं, लेकिन जितना समय आप दें ना पूजा के लिए, जितना समय आप दें, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जितना समय देना वो समय समर्पित कर दीजिए भगवान को, वो समय सिर्फ हाँ भगवान का होना भैया, चाहिए, ईश्वर का होना हाँ चाहिए, और फिर देखिए आपको इतना आनंद आएगा जीवन में, इतना आनंद आएगा आपको, आपको जीवन में कभी क्वेश्चन किसी बात पे कोई बहस करनी नहीं है, इन बातों पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ईश्वर हाँ ईश्वर है भैया, वो, ब्रह्मांड के मालिक है, सब कुछ उनकी नजरों के आगे ही हो रहा है सब कुछ, और पता है आप वो भैया, चाहते हैं हमेशा कि आप अपना कर्तव्य जो है वो पहले पूरा करें। मैं एक पानी पी लूं थोड़ा सा, हाँ भैया, हाँ भैया, जी हाँ जरूर। जी बताइए, हाँ भैया, हम अगस्त में गए हुए थे, बांके बिहारी गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, मतलब वहां पर मतलब ऐसा चीज की हम अनुभूति किए, और उसके वृंदावन जाने से पहले हम जैसा जैसा सपना देखे थे, मतलब बांके बिहारी को लेके, उसी तरह हम वहां पर सेम हम अनुभव किए, सेम टू सेम। मतलब हम सपना देखे कि मेरे हस्बैंड टोकरी पर फूल लाए हैं, उसके बाद हम जब भी, और हम जैसे मंदिर, मतलब सपना में देख रहे हैं कि मंदिर, हम जैसे अंदर जा रहे हैं, मंदिर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और रोते रोते जा रहे हैं, भगवान के एकदम चरण में जाके हम एकदम रोने लगे, इतना रोने लगे जैसे कि बहुत दिन के बाद, जैसे मिलते हैं ना लोग बहुत दिन के बाद मिलते हैं, वैसे हम सपना में भी रो रहे हैं, और सेम उसी तरह हम हकीकत में भी जाके हम मतलब रोना नहीं चाहते थे, लेकिन एक अंदर से जो प्रेम जो था ना वो छलक उठा, मतलब इतना रोए, आसपास के लोग देखते ही है, वहां पर गए, उसके बाद नंदगांव से, नंदगांव में दर्शन किए, निधिवन गए, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, आने के बाद लग रहा है ना भगवान, भगवान बांके बिहारी फिर से हमको बुला लो, वहां पर फिर से बुला लो, राधा रानी फिर से हमको बुला लो। मैं मन बहुत बेचैन हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल बहुत बेचैन मत ज्यादा, रहिए, अब अपने मन को वृंदावन बनाइए, इसमें ठाकुर जी रहने चाहिए, वो ऐसा पल नहीं रहता ना भैया कि हम वृंदावन का, वहां का पेड़ पौधा, रास्ता, मंदिर, जगह, नदी, या ऐसा कोई भी सा चीज जो हम एक पल के लिए नहीं भूलते हैं, एक पल के लिए भी हमको ऐसा नहीं है कि मेरा स्मृति में नहीं रहता है, हमेशा हमेशा। क्या बात है, बस खुश रहिए और इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल मन में कोई वह मत लाइए, आज रात को एक बार भोजन दीजिए उनको और पूछिए कैसा लगा, वो खुद ही बोलेंगे, पूछिएगा भी मत, और ठीक भैया है, एक एक बात और बोलना, तो बहुत मुश्किल से आपका कॉल जी लगा जी भैया। बोलिए, एक्चुअली भैया आज से मतलब 17 दिन लगभग लगभग होता होगा, हम सपने में देख रहे हैं कि कान्हा जी अपना जो उनका आसन होता है, रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस पहने हैं, और अपना आसन से उठे हैं, और हम बांके बिहारी का मंदिर का दूसरे तल्ले पे गए हैं, ऐसा सपना में देखे कि हम दूसरे तल्ले पे गए हैं, और बांके बिहारी जी बच्चे रूप में, मतलब लगभग वही 10-12 साल के रूप में है, रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस पहने हैं, और भगवान जी उछल रहे हैं इधर उधर, जैसे बच्चे खेलते हैं ना उस तरह से उछल रहे, और उनका हम पाँव पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, पाँव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लिया वो तो इधर उधर भाग रहे हैं, और उनका चरण में झुक के, और हम रो रहे हैं, ऐसा ऐसा सपना देखते हैं बांके बिहारी का। हम कार्तिक मास में भी हम सपना देखे कि उनके सामने हम दिया जला रहे हैं, पंडित जी मना करे नहीं नहीं यहाँ नहीं जलाना है बोल के, इस तरह से होता ये तो है, अच्छी बात और सपने में देख, हाँ और सपने में देखते हैं कि हम राधे राधे बोलते हैं, प्रेमानंद जी महाराज को देखे, अनिरुद्धाचार्य को महाराज को जी, देखे, ऐसे से हम देखे हैं, और हम हकीकत में जाकर उनसे मिले भी, हम बात भी किए अनिरुद्धाचार्य महाराज से, जी तो जो सपना में देखे वो हम हकीकत में वृंदावन क्या जाके बात, हम मिले, क्या बात, सच में भैया जी एकदम सही, एकदम हकीकत नहीं आपको बात बिल्कुल, बता रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं इस बात पे, ये तो अच्छी तो बात है, ऐसा। हाँ आज कल मेरा भाई वृंदावन के लिए निकल चुका है, वो कल या परसों तक तो पहुंच जाएगा, मतलब दिल्ली में रुकने के बाद वो पहुंच जाएगा। हम बोले भाई तुम तो गया, तुम हमको लेके क्यों नहीं गया, एक बच्चे की तरह हम उसके सामने रोने लगे, बोले तुम अकेले क्यों गया, हमको लेके क्यों नहीं तुम गया, तुम हमको छोड़ के क्यों गया, ऐसे हम उसको बोल के रोने लगे।
कोई बात नहीं ठाकुर जी आपके पास है, आप जब तक नहीं जा पाए ना ठाकुर जी को एक दिन आंखें बंद करके निमंत्रण दीजिए कि ठाकुर जी हम आपसे यही मिलना चाहते हैं। और इनका ऐसा शेड्यूल रहता है ना कि इनको उस सब मतलब टाटा मतलब समय निकालना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हम लोग का बिजनेस हो जाता है, इस कारण से इनको समय निकालना मैं मुश्किल समझ हो जाता है। रहा हूँ, तो आप बिल्कुल हाँ निश्चिंत रहें, आप ठाकुर जी को जब आप नहीं जा पाते ना तो ठाकुर जी को निमंत्रण दे देना चाहिए, ठाकुर जी मैं मिलना चाहता हूँ। और जो आप सपने में देखते हैं ना वो भी साक्षात ही होता है, सपना नहीं होता कुछ भी। मतलब भैया जो हमको लगा वो सैर किए, हाँ इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है भैया हम, इसलिए हम अपना नहीं, जो आपका दिल का बात भाव है बहुत सच्चा है, बहुत सरल है, ऐसे ही रहिए, आप हमेशा खुश रहिए, हम ईश्वर कभी आपको भी खुश रखे। व्रत को याद करेंगे, वहां का पेड़ पौधा याद कर, पता नहीं अपने आप मेरे आंख से आंसू गिरने लगता है, पता नहीं हमें भगवान हमको कौन सा सजा है जो हम आपके पास नहीं आ पाते हैं, कोई मतलब सजा हम नहीं, चाहते आपको अपना शरण बुला तो लेंगे। लिया, आप एक बार वृंदावन का, सिर्फ वृंदावन का नाम लेना भी है ना, सिर्फ वृंदावन का नाम लेना भी सौभाग्य है। आप तो वृंदावन पहुंच गए, आप जा करके ठाकुर जी के दर्शन कराए, ठाकुर जी से मिल आए, और क्या चाहिए। एक जन्म में एक बार आप वहां हो गए तो आप ठाकुर जी के ही हैं, तभी वहां हो गए, क्योंकि वहां उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता, उनका घर है वो। सही आपके बात घर है में भैया, कोई आ सही सकता है बात आपकी है। मर्जी के बिना? नहीं भैया तो उनके घर में सही कैसे कोई जा सकता है। तो बात है भैया, आपको वो प्यार करते हैं आपको, तभी उन्होंने बोला कि चलो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सब दूर दूर बैठे हैं, तो हम ठाकुर जी के भक्त हैं, सब ठाकुर जी के भक्त हैं, लेकिन है ना वृंदावन सिर्फ वो जाता है, वृंदावन बरसाना सिर्फ वो जाता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं मिलने के लिए। आप नहीं मिलने जाते उनसे, आपको तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दर्शन मत करो, वहां तो मिलने जाओ, क्योंकि ठाकुर जी मिलने के लिए बुलाते हैं उन्हें। हाँ जिस हाँ भैया ठाकुर जी बोलते हैं कि भैया आ जा, मुझे अब तेरे से मिलना है, आप चाहे कहीं भी मिलना हो, सही तो भैया। ठाकुर जी बुलाते हैं जिसको वही पहुंच पाते हैं वृंदावन बरसाना। और एक बात है ना भैया कि भगवान के सदा से जो मेरे से बन पड़ा भगवान को चढ़ाने के लिए तो हम ले गए, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि इतना कुछ भारी भारी सामान सोना चांदी चढ़ता भगवान, क्या ये चीज मेरे भगवान एक्सेप्ट करेंगे या वहां के गोस्वामी भगवान को चढ़ाएंगे, ये चीज हम सोचे, ठीक है। जो भगवान जी के लिए हम ले गए, पंडित जी को बोले पंडित जी ये हम बिहारी जी के लिए लाए हैं, राधा रानी के लिए लाए हैं, बिना देर किए वो चीज भगवान जी के जाके एकदम उनके लिए बिंदी ले गए थे सोना का, तुरंत जाके वो लगा दिया उनका मस्तक में। हम बोले हम इस चीज के लिए सोच रहे थे, पता नहीं मेरा चीज ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब वो सोचे मतलब सोचते सोचते रह गए और वो पूरा भी क्या हो बात गया। है, अद्भुत। तो ख्याल तो रखिए, बोले खुश रहिए कि आप, हाँ भैया ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके भैया, हरे आपका कृष्णा, मनोभाव सुनते ही ऐसा लगता है ना कि हम रोने लगते हैं, कुछ कुछ सुनते हैं ना एकदम दिल को जाके छू जाता है ना, तो हम रोने लगते हैं, ये बोलते हैं तुम पागल हो गई हो, हमने जो आप समझिए। नहीं, ये आपका प्रेम है और ऐसे ही बनाए रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। हरे राधे राधे कृष्ण, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे।